एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। और मैं ना अभी नहा करके आई हूँ और मैंने सोचा चलो ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग हमने शुरू कर दिया है, उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और तो अभी बस नहा के आई हूँ और नहा करके ना सीधा बाथरूम से बस धूप में आकर के खड़ी हो गई थी क्योंकि ठंड लग रही थी और धूप ना बहुत अच्छी निकली है, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगा मुझे धूप में खड़ा होकर। थोड़ी ना बॉडी के अंदर गर्मी सी आ गई, गर्माहट सी हो गई और तो बस अभी बाल को कंघी करूँगी। बाल सर ना आज मैंने धुला था क्योंकि ना कैफे पोड़ने से ना वो रुआ वुआ चिपक जाता है ना सर में, तो बाल ना बड़े अजीब से हो जाते हैं, तो मैंने आज धुल लिया। और अभी बस कंघी करूँगी और आज ना कोई आने वाला है तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कौन आ रहा है आज। और क्योंकि इनको जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनको चोट लग गई थी, तो जब से कोई ना कोई आ ही रहा है इनको। तो आज ना मायके की साइड से कोई आने वाला है, तो सुबह से तैयारियां चल रही हैं, साफ़ सफाई हो रही है घर की। सफाई तो खैर डेली होती है लेकिन जब कोई आता है ना, जब को लगता है स्पेशल के ये भी कर लें वो भी कर लें, तो और जब मायके से कोई आता है ना तो बड़ी खुशी सी होती है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो जब आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कौन आ रहा है। और जब से हमने ना किसी को बताया नहीं था इनकी चोट के बारे में, क्योंकि देखो किसी को पता चलता है ना तो फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ना रिश्तेदारों को बताओ, किसी को नहीं बताओ तो उनकी शिकायत भी रह जाती है कि आप लोगों ने बताया नहीं, लेकिन किसी ना किसी के थ्रू ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, पता चली जाती हैं। तो बस जैसे जैसे जिस जिस को भी पता चल रहा है सब लोग आ ही रहे हैं देखने के लिए और फ़ोन पे भी पूछ रहे हैं, तो बस 4-5 दिन ऐसे ही बिज़ी निकले और थर्सडे में इनको चोट लगी थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और आज संडे है, तो ये ऑफिस भी नहीं गए थे क्योंकि जाने ही नहीं दिया था इनको, चोट इतनी ज़्यादा थी। और दूसरी बात फिर फिर हमने सोच मन का आराम करो घर में, तो फिर इनको जाने नहीं दिया गया था। तो बस मैं दिखाऊंगी आगे आगे आपको कौन आ रहा है, और आज के ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलें, बिना धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं थोड़ा सा ना पीट करके खड़ी होगी सूरज की तरफ से। तो चलो फिर व्लॉग तो इसको कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाल कंघी कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी मैंने ना सर पे टावल बांधा हुआ था बाल सुखाने के लिए, और क्योंकि ना एकदम गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और आजकल तो वैसे भी बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मैं ना रूम के अंदर नहीं करती हूँ, फिर वहाँ बाल हो जाते हैं और इसीलिए ना बाहर कर रही हूँ। बाल टूटेंगे तो यहीं से उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो बस धूप से ना अच्छे से सर सूख भी गया है और काम करूँगी, फिर सर गीला रहेगा तो फिर ठंड लगती रहेगी, तो बस धूप में कंघी करने से ना थोड़ा सर को भी धूप मिल रही है। आओ, तो बाल मैंने अपने कंघी कर लिए हैं, सुलझा लिए हैं बाल, और अभी ना फेस पे कुछ लगाऊंगी, फेस ना बहुत ड्राई ड्राई सा हो रहा है तो बस कुछ फेस पे लगाऊंगी। तो चलो अंदर चलते हैं और मून के ना कपड़े चेंज करने हैं, मून अंदर जा रहा है, हाथ मुंह धुला दिए हैं इसके, इसके कपड़े चेंज कराने हैं बस मुझे, आज इसको नहला नहीं रही हूँ, कल नहाया था ये तो इसके बस। हाय रे, अंदर आके ठंड लग रही है, तो बस अभी थोड़ा सा लगा के फेस पे कुछ लगा के फिर नीचे चलूंगी और इसके कपड़े चेंज करा दूं। उसमें सब कुछ है गा। पापा का फोन चला ले, जा नीचे जाके जा। अच्छा मम्मा का फोन बाद में लेना, पहले पापा का चला लो, चाची के पास रखा है।
तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर, और चेहरा ना बड़ा खिंचा खिंचा सा हो रहा था। वैसे भी सर्दियों में तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो अभी ना 4-5 दिन से मतलब कुछ नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि इनके चक्कर में ना मैं बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं दे पाई और बस अभी सारा ध्यान मेरा इनके ऊपर था। तो बस यहाँ आज मैं प्रॉपर अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, और सर्दी हो या गर्मी हो स्किन पे ज़रूर कुछ ना कुछ लगाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना स्किन आपकी सही रहती है, हेल्दी रहती है, ग्लोइंग रहती है। तो अभी बस मेरी स्किन केयर हो गई है, और अभी ना मैं आज अपने आप को शीशे में देख रही थी तो मुझे ना अपना थोड़ा सा वेट भी बढ़ा हुआ लग रहा था। तो क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है ना, हम खाते पीते हैं और एक ही जगह पर मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं कर पाते हैं। तो बस अभी मैं देख रही थी अपने आप को और मुझे लग रहा था कि मेरा ना वेट फिर से बढ़ गया है, लेकिन अभी ना मैं गर्मी आने का इंतज़ार कर रही हूँ। और यहाँ देखो मून मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, वो मेरा ना सारा सामान इधर उधर उठा करके फेंक देता है। तो चलें अभी हो गई है हमारी सारी स्किन केयर, मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है और थोड़ा सा लिप बाम भी लगा लिया है। तो बस अभी मैं चल रही हूँ नीचे और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो अभी खाने पीने का हमें देखना है कि खाना पीना हमें बनाना है, तो अभी देखूँगी खाने पीने में मैं क्या बना रही हूँ। तो चलो ब्लॉग में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा दिन दिखाते हैं आपको कौन कौन आज हमारे यहाँ पर आ रहा है, कौन आ रहा है मायके से। तो बड़ी खुश हूँ मैं, बहुत खुशी हो रही है। तो चलो फिर मिलती हूँ, और अभी चल रही हूँ नीचे। ये देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, चल रहे हैं नीचे चल के मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और मैं ना यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब तैयारी क्या खाना ही बना रही हूँ। मैंने सोचा पहले खाना पीना बना लेती हूँ, फिर आराम से ना सबके पास बैठ जाऊँगी। तो यहाँ मैं बिरयानी और कोरमा बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कौन आया है। मेरे ना मम्मी पापा आए हैं और मेरे छोटे वाले मामा जी और मामी आई हैं। तो अभी आगे आगे मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊँगी, दिखाऊँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ बस अभी उनके लिए हमने यहाँ पर देखिए नाश्ता लगा दिया है, तो आ जाएं आप लोग भी सब नाश्ता करने के लिए साथ में। और अभी दिखाऊंगी आपको मैं छोटी वाली मामी से, फर्स्ट टाइम आपको मिलवाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरी छोटी वाली मामी है और मम्मी हैं, सब लोग मतलब एक साथ बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं बैठ करके। गपशप थोड़ी चुगली यहाँ तो फिर भी छह बैठी है। तो बस सबसे बातचीत करने के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया था खाना, क्योंकि 2:30 बज चुका था और खाने का ना टाइम भी हो गया था। और इससे पहले ना सब जेंट्स खा चुके हैं, तो यहाँ पर अभी सब घर की लेडीज़ खा रही हैं और मैं ना सबको खाना खिलवा रही हूँ। और मम्मी बोल भी रही थी कि तू भी आ जा, तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप खा लो सब लोग, क्योंकि एक जना तो होना चाहिए ना खिलाने वाला। तो बस यहाँ सबको मैं खाना खिला रही हूँ। और मामी ना मतलब पूरे 4 साल बाद आई हैं, जब मून हुआ था ना तो मून के कपड़े लेकर के आई थी, तो अभी बोल रही थी कि माशाल्लाह मून कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ देखो मैं बिरयानी दिखा रही थी, क्योंकि मामी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी। तो आप लोग भी आ जाइए सब। अभी खाना खा लो जब बात करो। अशरफ सबसे छोटा, हमें फोन घुमाइए इधर को। अशरफ सबसे छोटा, इसे भी जरूरी को और वसुंधरा की रानी। हां हां मैं तो आता रहता हूं। और नीलम, नीलम ये छोटी भाभी, थोड़ा नेटवर्क ना कट कट के आ रहे हैं।
भाई जो तुम इनसे मैं करे मैं तेरे नानू के साथ जा रही हूँ तो खूब रोए ना तू यहाँ क्या कर रहा ये तो मेरे तू अपने खाला के जा रहा था ये तो मेरे मामू है। तो सब लोग ना खाना खा चुके थे और मम्मी खाना खाने के बाद ना मतलब मम्मी की बेस्ट फ्रेंड हैं कोलकाता से तो उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी क्योंकि उनको ना जब से पता लगा था कि इनको चोट लग गई है तो उन्होंने बोला था कि मम्मी से कि जब तुम जाओगी तो मेरी शिवा से बात करा देना। तो उन्होंने ना मुझसे भी बात की और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है मतलब मम्मी की वो। तो यहाँ बस अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैंने ना मतलब चाय बनाई थी सबके लिए। तो चाय पीने के बाद मतलब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये देखो मामा मामी। और आज ना फर्स्ट टाइम मतलब मेरे छोटे मामा मामी दोनों वीडियो में आए हैं और इनको ना बहुत ज़्यादा शौक है मतलब मेरी सारी वीडियोस भी देखती हैं। तो बस और मम्मी तो मतलब जब से मम्मी ने सुना था ना कि इनको चोट लग गई है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और उसी दिन मतलब आने के लिए बोल रही थी। तो बस मैंने ही मना कर दिया था कि मौसम ठीक नहीं है और रहने दो कोई नहीं ठीक है आप आ जाना। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं तो यहाँ मेरा थोड़ा सा दिल उदास हो गया था और क्योंकि मामा को ना दिल्ली भी जाना था तो इसलिए बस ये लोग टाइम से ही निकल गए। तो सब लोग चले गए हैं और आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा और अभी अभी ना गए हैं शाम का टाइम हो गया है तो मैं ना ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे ना वीडियो का एंड करना था और आप लोगों से बातें भी करनी थी तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। तो अभी जस्ट गए हैं सब और मेरी हालत देखो तो थकावट भी हो गई है क्योंकि आज पूरा दिन ही मतलब किचन में रहा और मम्मी पापा आए थे ना तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ना मतलब जो मन था वो थोड़ा अच्छा सा मतलब हो गया और मामा मामी भी आए थे साथ में और मैंने बोला भी था कि रुक जाओ लेकिन उनको जाना था मामा जी को जाना था कल मतलब उनके ऑफिस का कोई अर्जेंट काम था तो इस वजह से वो नहीं रुके। तो बस अभी वो निकले हैं एक डेढ़ घंटा उनको लगेगा पहुंच जाएंगे और फिर मामा जी को दिल्ली भी जाना है। तो बस अभी बहुत सारे काम हैं बर्तन वर्तन पड़े हैं तो उनको साफ़ करूँगी और सारी किचन ही समेटनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने के बाद के जो बर्तन है ना वो मतलब बाकी पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा चले पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा दिन बन गया मतलब बहुत खुशी हुई बहुत। मम्मी ना मतलब पूरे एक साल बाद आई थी और पापा तो बीच में आ भी गए थे मुझसे मिलने के लिए और मामा जी तो पूरे मतलब चार साल बाद हाँ चार साल हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ मून का बर्थडे आ रहा है। तो मामा जी को ना पूरे चार साल मतलब हो गए थे जब मून हुआ था ना छोटा सा था बिल्कुल मून। तो मामी उसके कपड़े लेकर के आई थी तो तब से वो अब आई हैं और अभी मून को ना देख के कह रही थी मून जैसे उनके सामने शरारते कर रहा था ना तो बोल रही थी कि शिवा कितना बड़ा हो गया है और कितना कितना स्वीट है। और पता है उस मेरी वीडियोस देखती है ना तो वीडियो वगैरह में मतलब उसको देखती है ना तो कह रही थी कि सच में ये वीडियो जब मतलब तुम बनाते हो तभी ऐसा करता है या रियल में भी ऐसा है। मैंने कहा वो रियल में भी ऐसा है। तो बस बहुत सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मम्मी को ना मतलब मैंने जिस दिन इनको चोट लगी थी उसी दिन घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई है और इनको चोट लग गई है। तो उनको इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उनको ना उसी दिन से लगी पड़ी थी जब भी बोल रही थी पापा को फ़ोन करके कि चलो अभी चलते हैं मेरठ। और तो फिर मैंने मना कर दिया मम्मी इतनी परेशान मत हो वो ठीक है और होता नहीं कि रास्ता इतना लंबा पड़ता है और इंसान जब टेंशन में निकलता है तो फिर वो ठीक नहीं रहता है मतलब। और फिर मैंने बोल दिया था कोई नहीं आप संडे में आ जाना पापा की संडे में छुट्टी होती है तो आप आराम से आ जाना। और डेली फ़ोन कर करके मतलब वीडियो कॉल कर करके इनको देख रही थी पूछ रही थी बेटा यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है बस। फिर मैंने बोला मैंने कहा आप परेशान मत हो बिल्कुल ठीक है वो लेकिन होता है ना बेटी से ज़्यादा प्यारे तो दामाद होते हैं ना। तो क्योंकि मेरी मम्मी तो यही कहती है कि मैंने बेटी दे के ना बेटा लिया है तो मुझसे ज़्यादा इनकी मतलब करती हैं वो। और मेरे पापा भी यही बोलते हैं कि मेरे लिए तो बेटे से बढ़कर हैं मतलब इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ। तो बस होता है ना टेंशन हो ही जाती है। और अभी ना मंदिर में आरती हो रही है तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो बस अभी मैं चलूँगी अपना शाम का काम देखूँगी जो काम मेरा पड़ा है उसको अभी मतलब करना है किचन पूरी फैली पड़ी है मेरी। तो चलो अभी फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो बहुत लंबी हो गई है थोड़ी सी लेंथी हो गई है तो आप लोग देख लीजिएगा।
तो चलो गाइज, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चले इस वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।